बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे तमाम भैन भाइयों के? ठीक ठाक हो ते? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। दरअसल अज मैं आगा सी घर आराम करता रहा, हूँ तिकर ते हसन गया होया है उत्थे दुकान ते, ते क्योंकि ना लेट मैंनू काफ़ी हो गई है, तो मैं हसन दा स्टार्ट मैं ही की शुरू करके चला जाऊँ विलाग। तुसीं अपना की काम लिख रहे हो कि एवें खेल ही रहे? मैं तो ना क्या डंकी वगैरह बना रहे ने। हाँ नूर की बना रही उत्थे हुण मंजियां पईयां होईयां, मंजियां तां नहीं गईयां ते थल्ले बह के तो पढ़ रही हैं। दस नाल बालू सवाया होया, बाकी चलने आ दुकान ते क्योंकि लेट हो रही है, असां उत्थे इंतजार कर रहे फोन कीते ने। ते बाकी दा विलाग असां दी अम्मी बनावेगी ते निक्के निक्के काके बनाणगे। मेरे ख्याल नाल खीर पकानी अज माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भाइयों, कैसे मैंने कहने कि मैं तमाम भैन बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समय मेला खुद करम से बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो आप जहाँ भी रहो खुश रहो, बाद रहो, हंसते रहो, तो मुस्कुराते रहो। मेरी डेढ़ से जो साथ मेरे दो में याद तो सब तो पहले साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तक के दोस्तों में शेयर भी कर दो, घंटे बटन जरूर दबाया करो कि हर वीडियो बाई सकें थोड़े तक पहुँच सके। तो जरा हसन है ना, हसन तो तुम्हें पता है भी अजकल दुकान तो मसरूफ होंगे है, टाइम लगो तो फिर लोग बना, नहीं तो कोई नहीं बना। तो हसन दा अबू जरा घर आया सी आराम करने का दोपहर से होने बाद अथी जरा ना हसन मोबाइल भेजेगा कि अम्मी जरा तुम अभी लोग जरा ना अवतारी का बना दिए, तो फिर मैं अपलोड कर देव क्योंकि पिछले महीने भी इस तरह ना हसन के अबू की परेशानी तो साढ़े को भी लोग कोई ना बने, तो साड़ी सैलरी पिछले महीने की भी कोई नहीं आई, तो इस महीने की भी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बाकी जरा ना बच्चे सारे रोते ने, तो हूँ टाइम हो गया गया साढ़े तीन का, तो रोजा की अफतारी तो जी तैयारी करने कि अज जरा ना खीर भी पकानी है, दुध वाली खीर पका के तो भी छोटे छोटे बच्चों अफतारी टाइम वंडागे, कुछ मस्त जी गल देवे अफतार रोजे अफतार कर लेंगे। तो बाकी जरा ना घर के बच्चों का खाना जरा वही बनाने गया, अफतारी की तैयारी सारी करनी, जो जो असी पकाया जो जो असी अफतारी की तैयारी की थोड़े ना भैन भाई ने शेयर जरूर करा, कि तुम साढ़े हसन फैमिली लोग चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरह तुम साढ़े चैनल सपोर्ट करते रहोगे तो इन शाला सारिया परेशानियां छोटी मोटी जी ये दूर हो जाएंगे। एक तो साढ़े चैनल सब्सक्राइब करते रहोगे, साढ़े सब्सक्राइब जोड़े बढ़ते रहेंगे, एक तुम साढ़े व्यूज दोगे तो माशाला साड़ी जी सैलरी वो अच्छी खासी आएगी, तो साड़ी जी परेशानियां सारिया तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जिस तरह हम सा घर का काम भी सारा रुके होगा, सीढ़ी वगैरह बनानी है, उत्तु जरा बने लगे हाले कोई नहीं बनाया, इस जगह से भी हाले तक अगर डिजाइन वगैरह बनना है, विंडो भी लगन आई ने, तो हाले तक जरा सेन का फरश ये भी लगन आना है, तो हाले काफ़ी सारे काम ने जोड़े साढ़े रुके होने, हाले तक जी वायरिंग है ना वो भी करानी है, अंदर रंग वगैरह भी मंगाने गए, तो पर्दे भी हाले तक लाने गए, तो हाले तक परेशानियां बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तुहाडी सपोर्ट तुसीं चैनल साढ़े नूं करोगे, तुहाडी सपोर्ट नाल असीं कामयाब होना है, तो साढ़े चैनल सपोर्ट तुसीं जरूर करनी है। अल्लाह पाक जड़ा ना हर की परेशानियां दूर करे, तो इस तरह जड़ा ना असी कामयाब होवांगे, तो सारिया जी परेशानियां साड़ियाँ खत्म हो जाएगी। तो हूँ जड़ा ना सब तो पहले तो तैयारी कर लगे हैं खीर की, कि जड़ा ना दुध असी दुध भी को लै लिया, तीन किलो दुध लिया, तो किलो में जड़ा ना चावलों का पावे तो खीर पकावे, इस वास्ते मैं मेरे ना जड़ा ना इंतजाम कर रही हूँ, कि जड़ा ना मैं जल्दी जल्दी टाइम तो रोज अफतारी के टाइम तो पहले पहले सारिया चीज़ा पका लवेंगी। जरा खीर है ना, खीर तकरीबन डेढ़ घंटा दो लाग जाने उससे पकाने पकाने, तो दुध लैके रखोगे तो जी बाकी चीनी तो चौल है ना तो सौगी, बाकी जो जो चीज़ें मंगानियां ने वो मंगा लेंगे दुकान तो, ते हुणे ना उहदी तैयारी करनी, हुण चुल्हे ते भी ना धुप छां आ गई है, अगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं आखा जरा ना धुप ते बैठे नहीं जाना क्योंकि अगर मैंने गर्मी लगन लग पी, तो मैं जाके नाती है ना आके हूँ थोड़े सुकून आया जा, तो हूँ मैं आखिर लोग जरा स्टार्ट कर लेने स्टार्ट करके तो ना जो खीर पकानी शुरू करने, तो अफतारी की जो जो तैयारियां की थोड़े भैन भाई ने शेयर जरूर करा इंशाल्लाह। सौदा जरा ना वो लै आना है, तो बच्चे आख्या भी असं अम्मी खाने है बिरयानी पकानी है शाम के अफतारी वास्ते, तो मैं अद्धा किलो लै आने, तो यह भी एक सौ दस रुपये के चावल डिगण आम जे कच्ची बासमती नहीं ली, बस आम जे लैने तो भी एक सौ दस रुपये अद्धा किलो डिगण, तो आ लैन की चीनी क्या बाकी बच्चे पांच किलो में लै ली माचस, तो सवा किलो लै लें तोता चावल खीर पकानी आ लैंने तोता, तो नाल लैंदी सौगी मैं खीर ही पावे पंजाह रुपये की ये मिले। तो हम जरा ना पहले तो खीर पकानी शुरू करने, तो उस तो बाद जरा ना
बिरयानी बनावांगे। आग बालनी है, बाल धोते रखनी है। आग जेड़े ना बाल ली ते जेड़ा पानी है ना वही पतीले च लैके आ गई है, तू आग देनी है। मैं पतीले ही पका लेनी कि जे खुली जेड़ा ना पक जा सी खुला बन लेगा ते मैं अच्छी तरह पक जावेगी। जेड़ा ना कोल चावल है जेड़े उपर आते पा दी तेनों साफ कर लेनी है, इन्हें थले लकड़ी ला देनी है बड़ा तीरा सी ते चावल जेड़े इक मंजी ते बैठ मंजी ते बह गए इतने जन साफ कर जेडे रोड वगैरह है ना सारे चौक लेनी है, चौक के तो कोल दो लेस बेच रहने गया रोड जे इस तरह के वो चौक लेनी इतने बह के साफ करके धो के जैसे पानी बढ़ना शुरू हो गया उसे पा दे सर। पैक जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है मेरे तमाम भैन भाइयों दे, अल्लाह ताला दे फजल ते करम नाल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। बाकी ये है कि दो एक दिन ना फिर विच विलागां दी छुट्टी हो गई हैगी क्योंकि दुकान ते भी जो मैं ज़्यादा मसरूफ हो जाता उदो मेरा कोई विलाग नहीं बनता है कि जो सुबह टाइम ना उठ के ना दुकान ते चला जावां उदो फिर मैं कम्मां च मसरूफ हो जाता फिर मेरे को विलाग शुरू नहीं किया जाता। तो दो तीन दिन ना ज़्यादा मसरूफ याद रही ने, एक तो ज़्यादा गर्मी होंगी सी उधरों मैं रोज़ा रखे हों मैं इस वजह तो ना ज़्यादा विलाग नहीं बनाता सूगया क्योंकि रोज़ा भी होंगे है फिर दुकान ही मैनेज करनी होंगी फिर विलाग ही नहीं मेरे को बनाया जाता है। तो अज ही समझ लो विलाग को नहीं बनना सगा मैं कल एक विलाग अपलोड किया अज जल्दी जल्दी बना के ना तो कोशिश करना है कि हमने ही अपलोड हो जाए विलाग। तो मम्मी जान ले फिर घर फोन भेजे है मैं कहना अफतारी वगैरह की तैयारी करनी है उदो तुम ही अपनी अफतारी डेली असं नहीं विखाने आगे तो हूँ ही मैं अफतारी का समान लैके आया फ्रूट लैके आया तो मैं कट के ना तो ट्रेस रख दिता गया तो अंदर जाके रख देनी फ्रिज तो साड़ी खराब हुई हुई है किश्तां ते चलो लै लवांगे क्योंकि मजबूरी हुण बार बार जिहड़ी ना वरप तो दुकान तो लई नहीं जांदी ते ना दुकान ते जाया जांदा है। असल तो आनी तो है अपने इस महीने तनखा लेकिन अबू जान उन्हें जरूरत बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने किसी के पैसे देने तो मैंने कह रहे थे असन उधर दे देनी फिर आप फ्रिज नहीं ले जाने मसल तो ना उन्होंने मैं क्या है मैं क्या पहले जी अपनी फ्रिज पई ना अबू जान और रिपेयर करा दो इन्हें तो किधरे लगना है 3-4 हज़ार रुपया इन जो बारियां नहीं गई उन्होंने नाल वेल्ड करके कुंडियां जी ला देंगे अच्छी तरह जो कब्जे वगैरह चलो 2-3 महीने कट जाने गर्मियां 2-3 महीने निकल जाने ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਲਏ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜਾਣ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਉਧਰ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ करने फर्क ही बना नहीं लेकिन अम्मी जानो गवांडी भी आप नहीं अम्मी जान जेड़ा इस जगह सी ना पानी ਥੋੜਾ ਟੱਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟੱਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰੋੜੀ ਸਾਰੀ ਬਜਰੀ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
असल पोली मिट्टी सी ना इस वजह से लत्त है। देखो किन्नी उची मैं कीती सी कि जगह सारी थले बह गई। चंगी तरह मुकाई ने बुजान ने उन्होंने कहा 1500 दी सारा कुछ हो जाएगा। मेरी दिल आई चार इंची दी पड़दी ला लवीए के गर्मियों ने चलो मंजे बंदा उत्ते पा लेना बिजली नहीं आंदी करा इसे ज्यादा गर्मियों क्योंकि जो ना सुबह सुबह इधरो सूरज चढ़ता है उदो सारा पछावा इनका बेर उत्ते आंदा छां आंदी बहुत ज्यादा ने विंडो वगैरा आले जेडे पैसे ने मिस्त्री ने दिते सीगे 10,000 रुपया पहले ते ओ साडे पैसे खा के फिरदे ने पता नहीं विंडो कदों लगणी है उन्होंने देने ने गे पैसे ते फिर असीं अगे विंडो लवानियां ने ते उन्होंने पैसे टोटे करके देने ने कदी देवणगे 1000 कदी 2000 दुकान चले जाने ने 10,000 रुपया 10,000 की कितने विंडो बढ़ी सी तकरीबन सारे घर दी विंडो बढ़िया ने 70-80,000 रुपए की नॉर्मल जो विंडो लगा भी तो ये लोहे वाली होंगी हैगी उन्होंने तो असं 10,000 दिते बाकी भी उन्होंने हूँ देने पैने उन्होंने कहने साडे पैसे अगर वापस करो फिर जो गुंजाइश होई उदो सारा बाकी तो घर का जो काम रहा है मुकम्मल करावे ऐ प्लस्तर वगैरह तो ना करवाने और कुछ 10-1 दिन तक ना रोजिया तो बाद ईद तो बाद ही करवावे है अम्मी जान जहाँ अंदर सीमेंट पे होंगे ने प्लस्तर करवा लिया आज जगह रही है आगू पौड़ी ते काफी खर्चा हो जाना तकरीबन कोई 40-50,000 रुपया तो होगा क्योंकि थले पैना है ना बजरी वगैरा भी मेरा इरादा इस महीने की तनखा आनी उन्दे नगू पहले फर्श बनावांगे लेकिन चलो कोई ना अल्लाह पाक करम करेगा टेंशन नहीं लैनी जदों अल्लाह पाक अपने तसानियां लै दियां सी आपां ते कदी सोचा ही नहीं सीगा कि घर नवा बन जाएगा इन्ना प्यारा घर बन गया है बस हुण एक तरह का कोई बारिश वगैरह आवे या अंधेरी आवे सानू कोई टेंशन नहीं होंदी इस घर दे विच ते बाकी छोटे मोटे काम नेगे घर दे ये भी सारे हो ही जाने नेगे इन्हें सानू इतनी भी ज़्यादा टेंशन नहीं है भी गर्मियों दे विच अम्मी जान ठीक कह रही जो बिजली चली जाती बंदा उत्ते मंजियां पा लैंदा हैगा सैडा चार दीवारी जो तो कर लवेंगे लेकिन वह बाद दे काम नेगे एक करी अपने जेडे कर्जे वगैरह नेगे वह पहले लावांगे ते उस बाद फिर ये काम करवावांगे या माड़ा मोटा घर का काम होने वाला है ये करवाने मैनू खास तौर पर ना आपू जान जे करते नहीं गे उन्होंने टेंशन हैगी पहले ला लवेंगे उस बाद फिर घर के कुछ काम जो रेंगे नहीं करवावे उदो तुम बस साडा यही साथ दिता करना है डेली दीडियो वाच कीती रखो कि पेमेंट थोड़ी जी अच्छी आ गई उतले महीने जी पेमेंट आई अगर उन्हें च हो सकया ना इतने फर्श पहले लवावे फिर सीढ़ी वगैरह चढ़वा लवेंगे तो विंडो वगैरह जड़िया नहीं हाल सू इतनी खास जरूरत नहीं हैगी क्यों गर्मियों के हवा वगैरह अंदर जानी चाहिए फिर सर्दियों विंडो वगैरह फिट करवा लवेंगे इन्हों का ही बड़ा लम्मा चौड़ा काम है उधरों मैं याद आया ना गल् गल् इस जरा है ना दूसरा किचन किचन का एक दरवाजा भी साडा है साहिवाल जिन्हों को लैके आए थे ना उन्होंने को एक दरवाजा साडा हाली तक पे है तो जाके लैना है उन्हें जो भी चक्कर साहिवाल लगा ना क्योंकि पैसे असं उन्होंने दिते हुए नहीं गए बस जाके लैना है एक शायद व्डा उन्होंने दिया उन्होंने कहा जो आगे फिर आके चक लिया जे तो बस चक्कर ही नहीं गए ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਿਲਾਗ ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਬਾਲੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ
अच्छी तरह जो मेवे ने हिला के पानी के हल करके उस तो बाद प्लेट थोड़े उबलते रहन गए। परीशा मैं नमक भी चार लिया दे दूध पा के अच्छी तरह नुखा लानी है दुध मिक्स करा उसको जरा चीनी पा देवे किलो ही जरा सवा किलो चावल आने किलो जरा मैं चीनी लिया तीन किलो के दुध पाया तो तुम सारे बहना फिर दुआ करनी कि मैं इतनी मेहनत ना खीर पका रही हूँ अल्लाह पा के कबूल करे जिनी क मेरी गुंजाइश है उतना क मैं अल्लाह के राह जरूर देनी हूँ। अगे मैं जुमे हलवा बना के दी सी इस बार जुमे हलवा जो मैं नहीं बना पाई कि उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा आई इस करके तो मैं आखा चल अज जरा ना खीर पका के तो जरा वंट देनी बच्चों ना रोजे भी इफ्तार करा देवे तो ना जो बच्चे छोटे छोटे वंट देवे अलहमदुलिल्लाह जी जी सा खीर है ना वो होगी माशाल्लाह तैयार तो इन ला लें थले तो हूँ उत्तर जरा ना बिरयानी रख दें बिरयानी मसाले वगैरह जो सारे कट के लिया के रख लेने जो ना बिरयानी पतीला उत्तर रख दें पतीला जो उत्तर रख लिया तो जो कि ना वो पा दें हूँ जरा ना बिरयानी की तैयारी हो रही है बिरयानी पा करी अद्धा किलो मैं चावल लै दें अद्धा किलो गोश्त हैगा तो यह बिरयानी बनावे तो खीर जी माशाल्लाह तैयार हो गई है थोड़ी ठंडी हो जाती ना तो अफतारी वाले वास्ते कढ़ लवेंगे तो बाकी जी बच्चों सद के बच्चों दे देवे वंट दे तो माशाल्लाह खीर जरा गर्म हो गया तो प्याज में पा दें हलाद रख लसन जरा ना ये मैं कुट लेनी है गोश्त जरा वह भी कोल धो के लिया के रख लिया तो यह भी कोल कुट लेनी है तो प्याज जो माशाल्लाह भुज गए तो हूँ बच्चे पा देनी गोश्त हूँ उन्होंने बच्चे अच्छी तरह जो गोश्त है ना पहले फ्राई करा कि जो गोश्त है ना Thank you.
अदरक लहसुन बाकी जड़ी लाल मिर्चा जो सुखा धनिया मिसाले ने सारे इन कट्ठे रला के रखे ने सारे मिसाले कट्ठे ने यह पा देनी बिरयानी मिसाला नमक भी पा देनी उन्हें सारे मिसाले पा के अच्छी तरह जरा बोलना वागी जैसे चंकी तरह बोली आ गई उस बाद पा देवी पानी चावल जो भी गोल साफ करके पेट रख लें माशाला बोली जी ना वो अच्छी तरह आ गई है एक साइड तो नाल भी लगे पे हूँ जो पा दें पानी तो को जो चावल जो फेक लेंगी साफ करके तो उन्होंने पानी पा के धो लेंगी धनिया बिच पा देने चावल जड़े साफ करके ते कोल जड़े बेक रख लेने ते माशाल्लाह पानी उबाले आने शुरू हो गए ते जड़े चावल ने ओ भी 2 किलो चावल ते कोल जड़े बिच पा देने बिस्मिल्लाह माशाला बिरयानी साड़ी जी तैयार हुई खोती हूँ इन दम तैयार ही दम दे दें कोल जो बच्चों खीर वंड दें खीर जी ना वो सारी बच्चे मंड के फारिग हो गए बर्तन सारे समेट के तो टूटी तक गुराख दिते ने तो हूँ जरा अफतारी की मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा जहा रह गया बिल्कुल तो जरा ना कोल सलाद भी काट लेनी खीर की तो कोल जरा ना नाल रायता भी बनाना है धनिया तो जी मिर्चे भी दूरी चला खी आ काट के उस तू बाद जरा रायता बनावे तो ना जरा जामी खीर जरा पानी भी बनाना है ना अफतारी की तैयारी करने अफतारी करके तो उस बाद नमाज पढ़ के मोल बर्तन जरा ने यह धो लवेंगे खीरे जो कट लेने काट के मैंने रख दिते ने तो हूँ मैं एक और रायता बना लैनी बिच जरा हरिया मिर्चा पाई ने दो धनिया पाने तो ना जरा नमक पा दें पा देवे दही दही असन भुगलाई है कुछ इन्हें पा लवेंगे तो कुछ जो बाकी रख देवे सुबह जो सारी टाइम दो रखा इन्हे क्योंकि अभी सालन भी नहीं है तो अच्छे असं रात में बिरयानी पकई तो सालन कोई नहीं पकाया तो फिर सालन भी कोई नहीं होना तो बस उस जरा दही रोटी खा लेंगे सारी टाइम रोजे रख लवेंगे
चटनी वास्ते धनिया ते मिर्चा जड़िया ना वो बरीक करके पी लिया ते हुण जड़े ने इहदे विच पा देनी ते रायता भी साडा तैयार माशाला हो जासी ये तैयार हो गया ते हुण जड़े ना जाके ते बना लैनी जामी शिरड़ा पानी मी कोल ते सारी जड़े ना कलीन पा के ते तैयारी करने जड़े ना बिरयानी भी वेने तैयार हो गई होनी उन्नी थले ला लैने माशाला बिरयानी जड़ी ना इंदा भी हुण दम पट के वेने कुछ बहुत बहुत अच्छी जड़ा ना आ रही है माशाला बिरयानी साड़ी की तैयार हो गई थे ला लें कलीन पा के ना रफ्तारी की तैयारी करने के दिन जड़ा ना बिल्कुल सूरज लै गया तो पता नहीं टाइम हूँ 5 मिनट रहा या 10 मिनट रहा तो टाइम में तो देखा कोई नहीं लेकिन एक टाइम इन्ना सारी रह गया तो लै आनी अंदर जाके डब्बा डब्बे चावल पा के लै जानी उत्थे सारी तैयारी करने अलहमदुलिल्लाह भी सारी अफतारी की जी तैयारी है ना वो हो गई है तो हम बस रोजे अफतार आने मिनट अगर नहीं तो टाइम रोजे अफतार करा तो हो गया तो अफतारी के लिए साड़ी जी बिरयानी है ना वो भी असं पा के लैके आ गए तो ना रायता है तो ना जोड़ा ना असी खीरे की सलाद बनाई है तो नाल है खजूर नाल अमरूद ना सेब तो ना भिंडी खरबूजा जोड़े ना कटिया नहीं इस करके मैं खा जिन्हें खाना हो ना कट लेंगे तो खा लेंगे जिन्हें गंदा खाना हो ना कट लेंगे नहीं तो इसे तरह सबूत पे रहे कटे फिर बाहर ही खराब हो जाते हैं इस वास्ते नहीं कटिया तो पानी है जोड़ा ना सादा ही है मिठा नहीं बनाया कि चावल जो मिठा पानी ठीक रहेगा या बच्चे नहीं रहेगा इस करके तो हम बस एक गुजार ही सुना है या ही बोल भी बोल देना तो रोजा उतार कर लेंगे अलहमदुलिल्लाह जी बच्चे ने सारे जो खाना खा लिया तो मैं भी खा लिया बर्तन जो सारे समेट जाए सा आए लोग इतने खत्म करना अच्छा लगे साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो दोस्तों में शेयर भी कर दो घंटे बटन जरूर दबाए हाथ की वॉइस एंड बटन अल्लाह।